नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्लूरल्स पार्टी की हेड पुष्पम प्रिया चौधरी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। पुष्पम प्रिया ने कहा कि मैं आईडीएस सक्सेस से डेवलपमेंट स्टडीज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स हूँ और चाणक्य के कहे अनुसार शासक बनने के लिए आवश्यक विषयों पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स की मैंने गहन पढ़ाई की है और विकसित समाज के लिए पॉलिसी मेकिंग का कार्य किया है। बिहार के चुनाव में 241 साथियों के साथ सफल होकर न सिर्फ पाटिल पुत्र के गौरव की वापसी बल्कि बिहार को 2025 तक भारत में नंबर 1 और 2030 तक विश्व के सर्वश्रेष्ठ जगहों में से एक बनाने को कृत संकल्प हूँ, क्योंकि ये बिहार की वापसी का दशक है। इस बात की जानकारी प्लूरल्स पार्टी के फेसबुक पेज पर दी गई है। इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर लगातार पुष्पम प्रिया चौधरी को लोग बधाई दे रहे हैं और उनके फैसले को सही बता रहे हैं। इस साल मार्च के महीने में एक साथ सभी अखबारों में विज्ञापन जारी कर खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित करने पुष्पम प्रिया चौधरी चर्चा में है। वो मूल रूप से दरभंगा जिले की हैं। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया जनता दल यूनाइटेड के नेता और विधान परिषद के सदस्य रह चुके विनोद चौधरी की बेटी हैं। प्लूरल्स की वेबसाइट के मुताबिक पुष्पम ने लंदन के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय से डेवलपमेंट स्टडीज में भी मास्टर्स की डिग्री ली है।